हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है रेलिंग के ऊपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम साइड पर जो रेलिंग बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलिंग को हम कैसे बनाते हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर रेलिंग को कैसे कास्टिंग किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक रेलिंग की ड्राइंग है और इस टाइप की रेलिंग ज़्यादातर नेशनल हाईवे में बनाई जाती है। नेशनल हाईवे में हम जब ब्रिज बनाते हैं तो उसी के पास में हमें फुटपाथ भी देना रहता है। फुटपाथ में हम इनर फेस में क्रॉस बियर बनाते हैं, जबकि आउटर फेस में ब्रिज का लास्ट वाला जो कोना होता है उसी पर हमें रेलिंग बनाना रहता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि क्या रेलिंग नेशनल हाईवे में भी बनाई जाती है? तो जी नहीं, रेलिंग छोटे रोडों में भी बनाई जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक ब्रिज है जिसके आउटर फेस में हमने रेलिंग बनाया है। ये कोई बड़ा रोड नहीं है, ये नेशनल रोड नहीं है, ये हमारा MRD रोड है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है। इस पर भी हमने रेलिंग बनाई है। तो सबसे पहले रेलिंग के बारे में आपको कुछ बता दूँ कि रेलिंग के जो हॉरिजॉन्टल मेम्बर होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्हें हमें प्रीकास्टिंग करना रहता है, जिसे कि बीम कहते हैं। और जो हमारे वर्टिकल मेम्बर होते हैं, जो कि साइड पर यहीं पर हमें साइड पर ही ब्रिज पर ही बनाने रहते हैं, जो कि हमारे पोस्ट कहलाते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास एक प्रीकास्ट करे हुए कुछ बीम है। बीम तैयार करने से पहले हमें इसका स्टील तैयार करना रहता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास चार स्टील आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें प्रॉपर तरह से पहले इसकी रिंग बनाई जाती है, जो कि स्ट्रप बार कहलाता है, और उसके बाद में इसका कास्टिंग किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रीकास्ट पहले से ही कर रखे हैं और इसे हमें प्रॉपर तरह से इसकी क्यूरिंग भी करना चाहिए। जब हमारा यह बीम पूरी तरह से अच्छी तरह से एकदम उसकी स्ट्रेंथ आ जाए, यानी कि क्यूरिंग करने के बाद, इन्हें हमें लोड करके सीधा साइड पर हम ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एक जगह पर बनाएं, जहां पर आपका ब्रिज हो, जहां हमें रेलिंग बनाना हो, वहां पर भी हम इसे प्रीकास्ट कर सकते हैं। अब हमें वर्टिकल पोस्ट में हॉरिजॉन्टल बीम को कुछ इस टाइप से प्लेस करना रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास जो प्लेटें हैं वो हमारी पोस्ट की है और उनमें ही हमें जो हमारे हॉरिजॉन्टल बीम होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें कुछ इस टाइप से प्लेस करना रहता है। देन उसको हमें एक लेवल में भी करना रहता है। लेवल करने के लिए हमें उन दोनों बीम के बीच में कुछ लगाना रहता है, जैसे कि हमारे पास कोई क्यूब वगैरह पुराना पड़ा हो या हमें लकड़ी के कुछ गुल्ले आते हैं, ठीक है, उन्हें हमें एक लेवल में करने के लिए उसे दोनों बीमों के बीच में हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो हमारा बीम है वो एक लेवल में हो। और जब हम इसकी कास्टिंग करते हैं, ठीक है, जो हमारे वर्टिकल पोस्ट की कास्टिंग करके डिसटरिंग करते हैं, तो कुछ इस टाइप से हमारे जो रेलिंग है वो बनकर रेडी हो जाती है। और उसके बाद हमें हमारी जो रेलिंग रहती है, वर्टिकल पोस्ट और हॉरिजॉन्टल बीम के बीच का जो जॉइंट होता है, उन्हें हमें फिनिशिंग करना रहता है और उसके बाद पर उन पर कलर भी लगाया जाता है। कलर करने पर ये हमें बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। फिलहाल में इस पर हमने कोई कलर भी नहीं किया है और अभी हमारी इसकी फिनिशिंग करना भी बचा हुआ है। और अब हम बात करते हैं डबल पोस्ट की, कि ये डबल पोस्ट जो वर्टिकल पोस्ट है वो डबल पोस्ट कहाँ होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे पास एक से दो स्लैब हो, ठीक है, या फिर हमारी एक स्लैब ख़त्म हो रही है, उसके बाद में हमें रिटर्न वाल देना रहता है, उन्हीं के बीच में या एक्सपांसन जॉइंट हो उसी के बीच में हमें डबल पोस्ट लगाना रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा एक पियर था, ठीक है, मतलब कि हमारी यहाँ डबल स्पान का ब्रिज था। तो एक स्लैब से दूसरे स्लैब में जोड़ने के लिए हमने एक्सपांसन जॉइंट छोड़ा था और उसी के लिए हम डबल पोस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी डबल स्लैब थी, ठीक है, एक स्लैब से दूसरे स्लैब का हमारा जॉइंट था, उसी के लिए हमने डबल पोस्ट यूज़ किया है और उसी के बीच में हमें कुछ गैपिंग देना रहता है, कम से कम 20 mm का इसका जो गैप रहता है। तो ऐसे हमारी रेलिंग बनकर रेडी हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि दो पोस्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, यानी कि हमारी जो बीम है उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो एक पोस्ट से जो हमारा दूसरा पोस्ट रहता है, उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर तो हमने 1750 mm ली है, लेकिन आप स्लैब के हिसाब से उसकी कम ज़्यादा हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हर ब्रिज में जो हमारी रेलिंग है वो 1750 mm की हो। कुछ जगह इनकी जो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 1800 mm भी होती है, तो कुछ जगह 1850 भी होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।